नमस्कार मित्रों, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में चयन के लिए जो विभागीय परीक्षा है दोस्तों 10 अगस्त को होने वाली है। तो जितने भी साथी एग्जाम में सम्मिलित होना चाहते हैं उन सबको बधाई, अग्रिम बधाई। और दोस्तों, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा और परीक्षा में आपको किस प्रकार अपनी स्ट्रेटजी बतानी है, तो साथियों एग्जाम्स में 60 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 60 प्रश्न और नंबर जो है वो 30 अंक के होंगे, यानी कि आपको 12 अंक लाने जरूरी है, यानी कि 24 प्रश्न आपके सही होने जरूरी है। तो दोस्तों 24 प्रश्न सही करने के लिए आपको किस तरफ ज़्यादा फोकस देना होगा, आपको अंग्रेजी दक्षता के जो कुछ क्वेश्चन हैं उनके ऊपर भी आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, जैसे आपके टेंस है, ग्रामर में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, प्रीपोजिशन है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, या इस तरह के जो वर्ड है रॉन्ग वर्ड है, यानी कि स्पेलिंग से संबंधित है, मिस्टेक वाली स्पेलिंग मान लीजिए आपको दी हुई है या उनमें से सही स्पेलिंग का चयन करना है, तो इस तरह के प्रश्न बनेंगे दोस्तों। साथ ही साथ विभागीय योजना के भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कौन कौन सी योजनाएँ विभाग में संचालित है, स्कॉलरशिप योजना है, बाल गोपाल योजना है, निशुल्क साइकिल वितरण योजना है, राजश्री बीमा योजना है, साथ ही साथ ट्रांसफ़र वाउचर योजना है, या NMMS यानी कि नेशनल मेरिट मीन्स वो वाली योजना है, NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम्स वो है, ऐसी अनेक सारी जो योजना है, छात्रवृत्ति जो है ST ST OBC वगैरह वो है, देवनारायण स्कूटी योजना है, ऐसी अनेक सारी योजना जैसे RKSMB के कब चली थी, राजस्थान शिक्षा के जो बढ़ते कदम हैं वो, उसके 3 चरण हुए थे पिछली बार, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बने थे। तो दोस्तों इस तरह की सारी योजनाएं आपके दिमाग में होनी चाहिए, कब चालू हुई थी, कौन सी योजना में, जैसे बाल गोपाल योजना है, दुग्ध पाउडर का इसमें दुग्ध सॉल्यूशन बनाया जाता है, दुग्ध विलयन बनाया जाता है, दूध बनाया जाता है उसको 1 से 8 तक के बच्चों को, MDM ये मध्याह्न भोजन योजना है, तो ऐसी अनेक सारी योजनाएं हैं जो स्थानीय विद्यालय में या गवर्नमेंट स्कूल में संचालित है। ट्रांसफ़र वाउचर्स गर्ल्स और बॉय दोनों के लिए है, 1 से 5 तक के जो 1 किलोमीटर तक, अगर मान लीजिए स्कूल नहीं है 1 किलोमीटर से ज़्यादा किलोमीटर, तो वहाँ से अगर बच्चे आ रहे तो उनके लिए है, 10 रुपये पर डे का किराया है उनके लिए। 6 से 8 के लिए मान लीजिए 2 किलोमीटर तक कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, दूर से आ रहे 2 से ज़्यादा से, तो उनके लिए हैं। और 9 से 12 अगर मान ली जाए, 9 से 12 के गर्ल्स या बॉय जो हैं, अगर मान ली जाए 5 किलोमीटर से अधिक दूरी तक कोई राजकीय विद्यालय नहीं हो और वहाँ से अगर किसी अन्य विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं, तो उनके लिए योजनाएँ या इस ट्रांसफ़र वाउचर योजना के तहत राशि दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों इंस्पायर अवार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, 6 से 10 तक के जो बालक होते हैं उनके नवाचार यानी कि विज्ञान के प्रति, उनको अपना एक प्रोजेक्ट माइंडली थिंकिंग बताना है और उसको इनोवेशन आइडिया को देना है, उस इनोवेशन आइडिया को जब वो दे देते हैं तो उनका जो अगर आइडिया अगर अच्छा होता है वो सेलेक्टेड हो जाता है, तो ये इस योजना के तहत 10,000 रुपये संबंधित जो बच्चा है, जिसने भी छात्र छात्रा ने अपना आइडिया दिया है, अगर वो आइडिया सेलेक्ट हो जाता है उनके खाते में सीधे सीधे 10,000 रुपये डाले जाते हैं। इसके बाद उस आइडिया को एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में दिया जाता है, उसके बाद फिर उस प्रोजेक्ट को अगर आगे चयनित कर लिया जाता है तो वो स्टेट लेवल, जिला से स्टेट और स्टेट से फिर नेशनल लेवल पर जाता है। तो इस तरह की अनेक सारी योजनाएँ संचालित है, जैसे राजश्री योजना में 50,000 रुपये की राशि 6 किस्तों में अलग अलग, जन्म से लेकर 12वीं पास तक, 12वीं पास होने पर 25,000, 10वीं पास होने पर 10,000, इस तरह से अलग अलग, जन्म के समय 2500, पहले जन्मदिन पर 2500, सरकारी विद्यालय में प्रवेश पर 5,000, फिर आगे फिर इस तरह से जो योजनाएं संचालित होती है, 10th पास करने पर 10,000, फिर 12वीं पास करने पर, यानी कि सब एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हैं, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। साथ ही साथ इसमें साथियों पालनहार योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है, पालनहार योजना के तहत मान लीजिए कोई विधवा महिला है या उसके पति ने छोड़ दिया है, परित्यक्ता है या अकेली है, पति शांत हो गया हो, पति की डेथ हो गई हो, तो ऐसे बच्चों को, उनके बच्चों को पालनहार योजना के तहत भी लाभान्वित राशि दी जाती है। तो ऐसी साथियों इंदिरा प्रियदर्शनी ये है, और
साथ ही साथ बहुत सारी योजना है, जैसे बाल गोपाल योजना है, एबीएल किट है, कला किट है, जैसे कि आयरन और फोलिक एसिड है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह के लिए, मिनरल्स वगैरह की पूर्ति करने के लिए बच्चों को। तो साथ ही ऐसी बहुत सारी योजना है। लिखित परीक्षा दोस्तों, इसमें आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, प्रिंसिपल के लिए दोस्तों इसमें तीन स्टेप्स आपको बताऊंगा मैं। इंग्लिश जिसमें सबसे ज़्यादा आपको 25 मार्क, साथ ही उसमें 25 मार्क का रहेगा, यानी कि 50 क्वेश्चन रहेगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। और नेगेटिव मार्किंग भी है दो साथियों, तो नेगेटिव मार्किंग के कारण ध्यान रखिए, और नेगेटिव मार्किंग में आपके 1/4 अंक कट जाएंगे। तो 50 क्वेश्चंस यानी कि 25 अंक, साथ ही साथ इसमें लीडरशिप के लिए यानी कि इसमें साथियों 2.5 मार्क यानी कि 5 क्वेश्चन। साथ ही साथ शिक्षा विभाग की योजना है, विभागीय योजना, शिक्षा विभाग की योजना से संबंधित इसमें प्रश्न, वही 2.5 मार्क यानी कि 5 क्वेश्चन। तो इस तरह से 50, 5, 55 और 5, 60 यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा फोकस आपको इन दोनों पे रखना है, साथ ही साथ इंग्लिश पे भी थोड़ा बहुत फोकस रखना है, ताकि कम से कम आपके जो है 24 क्वेश्चन यानी कि 12 अंक आ जाए। अब दोस्तों साथ ही साथ जो जैसे कि टीचर्स के लिए, अध्यापक के लिए, चाहे वो किसी भी ग्रेड का हो, उनके लिए दोस्तों दो स्टेप में, एक तो इंग्लिश वाला, साथ ही साथ इंग्लिश वाला वही 50 क्वेश्चन आएंगे, और विभागीय योजना यानी कि स्कीम्स, स्कीम्स से आपके जो है 10 क्वेश्चन बैठेंगे, यानी कि कुल मिला के जो 60 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 24 क्वेश्चन सही करने हैं। 24 क्वेश्चन सही होने पर ही आपको इसमें उत्तीर्ण माना जाएगा। आपको एग्जाम्स में कितना टाइम मिलेगा इनको सॉल्व करने के लिए, तो साथियों ध्यानपूर्वक देखिए, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आपको 1 मिनट में सोल्व करना है, यानी कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, एक प्रश्न बराबर 1 मिनट में ही सोल्व करना है। साथ ही साथ साथियों नेगेटिव मार्किंग भी है, ये याद रखिए, नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 अंक कटेगा गलत प्रश्न पर, गलत प्रश्न करने पर 1/4 अंक काटा जाएगा। एक प्रश्न जो है वो आपका रहेगा आधा अंक का, कितने अंक का, आधा अंक का। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो सूचना थी साथियों, मैंने देने का प्रयास किया। साथ ही साथ आपको कैसे आप 12 नंबर लाए, तो साथियों इसमें 12 नंबर लाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको महत्वपूर्ण विभागीय योजना वैसे पता है ही सरी, लीडरशिप से संबंधित भी वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समस्या इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 50 क्वेश्चन में से 20 या 30 क्वेश्चन या 15-20 क्वेश्चन तो लगभग नॉर्मल से आएंगे, ग्रामर से संबंधित, स्पोकन से संबंधित, स्पीच से संबंधित, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन संबंधित, प्रीपोजिशन, एक्टिव वर्ब, पैसिव वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, वर्ब्स टेंसेज, टेंस जो है उनमें, जैसे कि कौन कौन सी वर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं अपन, जैसे प्रेजेंट टेंस में हम जैसे प्रेजेंट की बात करते हैं वर्तमान की, जैसे वह जाता है, खा रहा है, खा चुका, तो इस तरह के खा चुका है या इस तरह के, और पास्ट में पिछली बात की जाती है, और पास्ट में जो वर्ब से है उसमें साथियों उसमें जैसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो उसमें वाज और आईएनजी का प्रयोग भी किया जाता है वर्ब के साथ में। साथ ही साथ प्रेजेंट की बात करें तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ एम आर का प्रयोग किया जाता है, हैज़ हैव का प्रयोग किया जाता है परफेक्ट में, और परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग किया जाता है और बीन का भी प्रयोग किया जाता है, पास्ट परफेक्ट में हेड का और आखिरी में परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन का प्रयोग। इसके बाद फ्यूचर जो टेंस है उसमें
बी साथियों यानी कि भविष्य की बात की जाती है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न मैंने या जो महत्वपूर्ण जो सुझाव आपको दिए, तो साथियों थैंक यू, आप अपना एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे नंबर गेन कीजिए।